भारत माता की जय, जय श्री राम, जय गौ माता। मेरे सभी हिंदू भाइयों को आज मैं ये बताना चाहूंगा कि तेलंगाना राज्य में आखिर हो क्या रहा है। जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी मंच पर ठहर के ये कहते हैं कि गाय के नाम पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया था। लेकिन मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एक बार तेलंगाना की तरफ आपकी दृष्टि पड़ने की आवश्यकता है कि तेलंगाना में किस प्रकार से खुलेआम पुलिस की देखभाल में यहां पर गाय के बछड़ों का वध किया जाता है। एक बार आपकी दृष्टि तेलंगाना में पड़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहां के मुख्यमंत्री हो, यहां के होम मिनिस्टर हो, यहाँ की डीजीपी एवं हमारे तेलंगाना में 3 कमिश्नर आते हैं अलग अलग क्षेत्र के, सबके सब लोग मिलकर मीडिया को यह कहे कि कोई भी गाय को मत काटिए, लेकिन अगर कोई गाय के बेटे को काटता है, गाय के बच्चे को काटता है, तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं, काट सकते हैं। इस प्रकार का मीडिया में भी ये लोग बेखौफ इस तरह का स्टेटमेंट ये लोग दे रहे, और इन्हीं की स्टेटमेंट की वजह से जो तेलंगाना में, जैसे आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया एवं दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा संख्या में गाय के मासूम बच्चों को लाकर काटने का प्रयत्न किया जा रहा है बकरीद के अवसर पर। हमारी ओर से जितना कार्य होना था हमने किया है, संघर्ष किया है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज जो हमारी साथ में जो टीम थी, इनके ऊपर भी एफआईआर बुक करना स्टार्ट कर दिए। यानी राया सिंह के साथ कौन कौन रहता है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दो, झूठी एफआईआर। इसके लिए हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी जाएंगे और कोर्ट का भी हम दरवाजा खटखटाएंगे और इन सभी ऑफिसरों को कोर्ट में भी हम खींचेंगे। ये लोगों के बाप की जागीर नहीं है तेलंगाना, तेलंगाना हमारा भी है, और हमारे तेलंगाना में और हमारी माँ यानी हमारी गौ माँ के बच्चों की हत्या हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। किस प्रकार से देखिए, यहां पर कोई भी गौ हत्या के विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहा मेरे भाइयों। कई हिंदू भाई बंधु है और कई हिंदू नेताएं हैं, नपुंसक नेता भी हम उनको कह सकते हैं, जो सिर्फ राजनेता ही इनका जीवन है, ना धर्म से मतलब, ना देश से मतलब, ना समाज से मतलब, ना गाय से मतलब। ऐसे राजनेताओं का निर्माण पूरे भारत देश में हो रहा है। तो भारत देश में अगर ऐसे नेताओं का निर्माण होगा तो गाय कहां से सुरक्षित रहेगी और धर्म कहां से सुरक्षित रहेगा, ये मैं मेरे हिंदू भाई बंधुओं से पूछना चाहूंगा। आज हम यहां पर प्रयत्न कर रहे हैं, यहां पर फाइट कर रहे, यहां पर लड़ रहे, यहां पर संघर्ष कर रहे। कल मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को एक पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया था, अफजलगंज पुलिस स्टेशन जिसका नाम कहते हैं, वहां पर मेरे कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। उन मैं जाके उनको पूछा कि मेरे कार्यकर्ताओं को क्यों पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा हम पकड़े नहीं, जस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए। तो ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन करके जो आप डिसीजन लेना लो, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को कल रात तक भी नहीं छोड़ा गया। दूसरे दिन पता चल रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, झूठी एफआईआर, कि ये लोग दंगा फसाद करने का प्रयत्न करें। और आपको पता है कि उसमें A1 किसको रखा है, मुझे, राजा सिंह को। क्यों? क्योंकि राजा सिंह इनके समर्थन में बात करने के लिए आया था, एक विधायक मेरी विधानसभा में, मेरे कार्यकर्ताओं के समर्थन में मैं बात नहीं कर सकता हूं पोलिशन में जाकर। और यहाँ के कमिश्नर साहब से मैंने तुरंत बात की, कमिश्नर साहब को पूछा कि देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी के ऊपर एफआईआर करने का किसी को पावर नहीं है, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के सबके ऊपर एफआईआर, विधायक के ऊपर एफआईआर, कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर। ये है हमारा तेलंगाना, ये है तेलंगाना के पुलिस और ये है तेलंगाना की सरकार। मैं तेलंगाना राज्य के हमारे मुख्यमंत्री साहब को एवं सारे पुलिस के ऑफिसरों को ये कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल तुम्हारी उम्र खत्म होगी और जो आज तुम पद पे हो वो भी पद जाएगा। लेकिन जब तुम इतिहास पलटा के देखोगे कि हमने हमारे काल में क्या किया है, कितने गौ हत्याएं करवाई है, कितने गौ हत्याओं का हमने समर्थन किया है, जब तुम इतिहास जब सोचोगे कि तुम्हारे भविष्य में तुमने क्या किया है, तो तुम अपने आप में एक शर्म फील करोगे कि हमने इतने गौ माताओं के बच्चों की हत्या करवाई है। ऐसा तुम्हें एहसास तब होगा जब तुम पद पे नहीं रहोगे, तब तुम्हें एहसास होगा। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि गाय की हत्या
कोई भी करेगा या उसके बच्चे की हत्या करेगा या नंदी की हत्या करेगा तो वो घोर पाप का भागीदार बनेगा। साथ ही साथ जो उसको संयुग करेगा वो उससे ज्यादा भागीदार बनेगा। तो यहाँ की पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, यहाँ का मुख्यमंत्री, सोचिए कितने पापी लोग है ये लोग। और अब पता नहीं चलेगा इनको, इनकी संतानों के ऊपर क्या बीतेगी, इनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। और जब ये लोग पद से, जब इनका समय जब समाप्त हो जाएगा, जब कीड़े लगकर ये लोग मरेंगे ना, तब पता चलेगा कि हमने कितना घोर पाप किया है, तब पता चलेगा। ठीक है, आज तुम हमारे ऊपर केस करते हो, तुम सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। सिर्फ केस बुक मत करो, हम तो चाहेंगे कि इनकाउंटर का परमिशन निकालो, ऑर्डर निकाल दो और इनकाउंटर कर दो। जितने भी कार्यकर्ता है पहले मेरा करो इनकाउंटर, उसके बाद में देश में जितने भी गौरक्षक है सबको मार दो, पीड़ा चले जाएगी, खत्म हो जाएगा मैटर। फिर कहीं पर मॉब लिंचिंग नहीं हुई, कहीं पर कुछ नहीं होगा। साधु संतों को भी मारा जा रहा है, गौरक्षक को साधु संतों को भी मारा जा रहा है। ये है हमारा भारत देश। मैं तेलंगाना में बसे हुए सभी हिंदुओं को ये कहना चाहूंगा कि कम से कम अब तो जाग जाओ। अगर आज नहीं जागे, आने वाले समय में जब तुम जागोगे तो शायद हम नहीं रहेंगे आपके बीच। धन्यवाद। जय गो माता।